नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे। सीएम हाउस में बीजेपी की टिफिन पार्टी हुई है। मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टिफिन पार्टी की है। सीएम हाउस में सभी बीजेपी के नेता मौजूद थे, तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे। विधायक और मंत्री अपना अपना टिफिन लेकर सीएम हाउस पहुंचे। टिफिन पार्टी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी, हम सब एक परिवार के लोग हैं, उनकी तरफ से कहा गया। सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ आज भोजन किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखाएं, बीजेपी की टिफिन पार्टी, तमाम बड़े नेता पहुंचे, मंत्री विधायक एक कतार में बैठे हुए टिफिन पार्टी में हिस्सा लिया, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और ये संदेश कि हम सब एक परिवार की तरह। आनंद के वातावरण में पहले कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बाद में हम सब की एक परिवार के हम सब लोग हैं, साथ में प्रेम से और स्नेह से मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा और विकास का काम कर रहे हैं। आज सब ने अपने अपने घर से, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा और फिर इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। एक तरफ अलग अलग अंचलों का स्वाद, इसमें चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध हो, महाकौशल हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, सारे अंचलों का, शहडोल संभाग हमारा हो, नर्मदापुरम हो, सब संभागों के व्यंजनों का आज हम लोगों ने स्वाद लिया। और ये केवल भोजन नहीं था, ये स्नेह और प्रेम का परस्पर आदान प्रदान भी था और साथ में ये संकल्प भी कि प्रदेश के विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज कैबिनेट की बैठक थी, टोटल मिला के 5 प्रस्ताव थे, 4 प्रस्ताव टोटल मिला के थे और टिफिन बैठक हुई, सभी के परिवारों से टिफिन आया, सभी के परिवार के लोग भी थे और बहुत ही आनंद की अनुभूति के साथ बैठक हुई। संगठन के लोग भी बाद में भोजन थे, माननीय अजय जम्बाल साहब थे, माननीय हितानंद शर्मा जी थे और टिफिन बैठक का एक अलग आनंद है, तो हम लोग आनंद लेके आ रहे हैं। तालमेल की कोशिश है क्या? ऑलरेडी तालमेल बना हुआ है, सामूहिक भोज सभी के साथ, सहभोज, ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक निरंतर परंपरा है। एक तो बजट पारित हुआ जो विधानसभा के लिए। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने दुर्ग से सांसद विजय बघेल को बीजेपी घोषणा पत्र समिति का संयोजक बना दिया है। पूर्व सांसद रामविचार नेता, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर विजय बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की, कहा कि विकास के नारे को बुलंद करते हुए चुनावी घोषणा पत्र बनाया जाएगा। उन्होंने जिम्मेदारी दिए जाने पर सभी वरिष्ठों का आभार भी व्यक्त किया। और जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एक भालू ने हमला किया है। दुलदुला थाना प्रभारी पर भालू का हमला, घर में घुसे भालू के रेस्क्यू के दौरान हमला हुआ है। भालू के हमले से थाना प्रभारी जगसाय पैकरा घायल अवस्था में, थाना प्रभारी को दुलदुला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हमले के बाद भालू जंगल की ओर भाग निकला, सुबह से घर में भालू डेरा जमाए हुए थे। दुलदुला वन परिक्षेत्र के बमनी गांव की पूरी घटना, जैसे ही टीम रेस्क्यू के लिए घर के अंदर पहुंची, भालू ने थाना प्रभारी पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी पूरी तरह से घायल हुए हैं, अस्पताल में उनका इलाज लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ भालू जंगल की ओर खदेड़ा जा चुका है। दुलदुला वन परिक्षेत्र के बमनी गांव की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। सुबह से भालू घर के अंदर डेरा जमाए हुए था, जैसे ही प्रशासनिक टीम को इस बारे में सूचना मिली, फौरन टीम यहां पर पहुंची, लेकिन उसके रेस्क्यू के दौरान थाना प्रभारी चोटिल हो गए। भालू ने थाना प्रभारी पर हमला कर दिया।
और शुक्रवार को पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ रैली खत्म हो गई, लेकिन उस रैली से लेकर सूबे की सियासत लगातार उबाल जारी है, जिसमें पीएम मोदी के मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर और इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। बीजेपी वाले मेरी नकल करें, उनकी तरफ से कहा गया। बीजेपी वाले धीरे धीरे छत्तीसगढ़ सरगुजिया बोलेंगे, इससे अब वोट बटोरना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की बयात इसीलिए आ रही है। हमारा अनुसरण कर रहे हैं ना, इसलिए तो अमित शाह जी आए थे हरेली के दिन, वो साइंस कॉलेज इंदौर स्टेडियम में देखे ना, बैल की पूजा की, उसके पहले किए थे क्या 15 साल? इस समय छत्तीसगढ़ महतारी फोटो लगा, कभी लगाए थे क्या? तो ये कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के लोगों तो नकली समझते थे, उसको गोली मारते थे और जेल में फर्जी केस बना के फूस देते थे। ये इनकी रणनीति रही है, तो फूट डालो राज करो, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आज छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में तेजी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ अब बहुत आगे बढ़ गया, रुकने वाला है। अब छत्तीसगढ़ ही बोलेंगे, हलवी भी बोलेंगे, गोड़ी बोलेंगे, सरगुजिया बोलेंगे, सब बोलेंगे। और जो लेना है, ये लोग तो गठान में गर्मी के दिन में जाके वो गाय नहीं खोज रहे थे, वोट खोज रहे थे। इधर सूरजपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सूबे की सत्ताधारी पार्टी यानी कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल करी है। छत्तीसगढ़ महतारी को बीजेपी के स्वीकार करने पर सीएम ने तंज कसा था। इस पर अरुण साव ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी छत्तीसगढ़ महतारी का विरोध नहीं किया है, पार्टी हमेशा इसके साथ खड़ी है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। और जब छत्तीसगढ़ के गरीबों के पैसे को लूटा जाएगा तो ऐसे लूटने वालों को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहिए। और आज का नहीं, ये तो कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस जब जब और जहां जहां आती है केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर का कभी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया है, और ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने 500 साल तक छत्तीसगढ़ का शोषण किया, छत्तीसगढ़ को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, छत्तीसगढ़ को अशिक्षा और भूखमरी के गर्त में ढकेल दिया था, आज वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को छत्तीसगढ़ की हितैषी बताने का काम ना करे। छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज यदि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसलिए बन पाए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। राज्यसभा में जब सदस्य बना के भेजना है तो उनको छत्तीसगढ़ महतारी का कोई बेटा नहीं मिला। 3 बाहरी लोगों को जिनका छत्तीसगढ़ से कोई नाता नहीं है उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में भेजा। तो ये ढोंग करना बंद करें, दिखावा करना बंद करें। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर जिले को आज एक बड़ी सौगात दी है। बघेल और सिंहदेव ने रायपुर से वर्चुअली राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। दोनों नेता उद्घाटन के लिए अंबिकापुर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से ऐसा संभव हो नहीं पाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने रायपुर से ही वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर संबोधन के दौरान उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भावुक नजर आए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का यह विस्तार हो रहा है और यही हमारी प्राथमिकता है। अंबिकापुर में मौजूद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने फीता काटकर राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। कहा कि इससे अंबिकापुर और आसपास के जिलेवासियों को बड़ी राहत मिली। यहां उपस्थित नहीं हो पाए आप लोगों की कमी। आज सरगुजा वासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का आज उद्घाटन वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी सब मिलकर के किए हैं। और इसके उद्घाटन होने से सरगुजा वालों के लिए, सरगुजा अंचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली है। यहाँ लोगों का अच्छा उपचार हो सकेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगा
और जहां हर केस बहुत सारे केस यहां से रेफर करना पड़ता था रायपुर, अब वो स्थिति नहीं आएगी, लोगों को यहीं पर उनका उपचार होगा और सहूलियतें मिलेंगी। इधर दुर्ग में हुई लगातार तेज बारिश की वजह से श्रीनाथ नदी उफान पर है और दूसरी तरफ बारिश के बाद जिले का मौसम सुहाना हो गया है। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में लोग शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट तक पहुंच रहे हैं और एनीकट पर पिकनिक स्पॉट की तरह यहां पर नजारा नजर आता है, जहां कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी भी लेते नजर आए हैं। इन्हें रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम या नहीं किए गए। दुर्ग जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, मौसम खुल गया है और साथ ही लेकिन ये नदी नाले जो है वो उफान पर आ गए हैं। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये दुर्ग के शिवनाथ नदी है और ये उसका महमरा एनीकट है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जल स्तर जो शिवनाथ नदी का वो बढ़ गया है। एनीकट के ऊपर से करीब 3 फीट ऊपर से पानी जा रहा है और देख सकते हैं कि किस तरह से शिवनाथ नदी उफान पर आ गई है। हालाँकि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर जो गेट जो होते हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन लोग जो है वो सेल्फी लेने के लिए अभी भी व्याकुल नजर आते हैं और देख सकते हैं किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर पानी में उतरते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये महमरा एनीकट में हर साल हादसे होते हैं, इस साल भी हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इसको देखते हुए गेट बंद कर दिया गया और एक गार्ड है, सिर्फ एक गार्ड है जो सबको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने बड़े घाट में सिर्फ एक जो गार्ड रखा गया है वो किस तरह से अपना कार्य कर सकता है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि मौसम सुहाना हो गया है, यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, सेल्फी का दौर जारी है और सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसा देख रहे हैं भाई, कितना अच्छा मौसम लग रहा है आज यार। बढ़िया है मौसम, बढ़िया। शिवनाथ एनीकट उफान पर आ गया है, उफान पर आ गया। किस तरह उठा रहे हैं मौसम का आनंद? बढ़िया है, आज का मौसम भी एक सुहाना मौसम है ना, मौसम इस कारण हम लोग यहाँ घूमने आए हैं और काफ़ी लोग आए हैं, हम लोग छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। अरे सुरक्षा को देखते हुए कुछ लग रहा है इंतजाम यहाँ पर किए? फिलहाल तो पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पुलिस कर्मी तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक है, अभी बंद कर दिया गया है अंदर जाने से, बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि कोई पानी में प्रवेश न कर सके। तो देखिए लोग छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं क्योंकि सैटरडे है और कल संडे है, तो मौसम खुल जाने के बाद में लोग एक तरह की पिकनिक स्पॉट ये बन गया है शिवनाथ नदी का महमरा एनीकट, क्योंकि शहर के काफ़ी नज़दीक होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग सेल्फी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के अंदर तक पहुँच रहे हैं, जिनको रोकना बेहद जरूरी अन्यथा कोई फिर बड़ा हादसा घटित हो सकता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। इधर कांकेर के कोकानपुर गांव में कुछ दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाने वाले ग्रामीणों के मकान तोड़ दिए हैं। ग्राम पंचायत की अनुमति के बाद भी ग्रामीण इस जमीन पर घर बनवा रहे थे, लेकिन बिना किसी अधिकारी के आदेश दिए गांव के ही कुछ दबंगों ने मकान तोड़ दिया, जबकि पंचायत ने भी ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा में प्रस्ताव के बाद ही हम लोगों ने यहां पर मकान बनवाया था, 25 साल से यहां पर रह भी रहे हैं। दबंगों ने नशे की हालत में खुद को अधिकारी मानकर कार्रवाई की। सरपंच मौके पर पहुंचे, उन्हें मनाया भी गया लेकिन माने नहीं, जेसीबी से मकान तोड़ दिया। कल जब मैं खाना खाने के लिए आई थी, उतना टाइम में बिना सूचना के बिना कोई नोटिस के हम लोग के घर में कार्रवाई किया गया। मतलब 2-4 लोग थे, दारू वारू पिए थे सब लोग, जेसीबी वगैरह लेके आए थे और मना करने के बावजूद पूरा तोड़ फोड़ किए हैं। वहाँ पे सब्जी लगा था, मेरा पूरा सब्जी नुकसान हुआ है और एक तो ऐसी जंगल वाला एरिया है, इसलिए बाड़ी घेर के रखे हैं तार, रात में सोने के लिए फिर डर है। बिना ऐसे लग रहा है कि सरपंच मना कर रही थी शायद, लेकिन सरपंच की बात ही नहीं माने उन लोग, एकदम जबरदस्ती टाइप से तोड़ फोड़ किए हैं। हमारा जो मकान है उसमें हम रह रहे थे और पंचायत के सरपंच और गांव के कुछ 2-4-5 लोग उत्तेजित होकर कल हमारा जो मकान है उसको गिरा दिए, पेड़ पौधा और सामने जो सुरक्षा के लिए हम लोग घेरा किए थे पर्दे का, उसको भी तोड़ फाड़ के फेंक दिए। कवर्धा में गांव के सरपंच और युवा कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई है। मामूली बात पर हुए विवाद में सरपंच युवा कांग्रेस नेता ने महिला के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की है। इसे लेकर वीडियो वायरल हुआ है, साफ तौर पर दिख रहा है कि महिला को डंडा लेकर दौड़ाया जा रहा है। महिला ने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में लोग घर में घुस आए थे, छेड़छाड़ की, मारपीट की और जब इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित ने कोतवाली थाने में लिखाना चाहा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मारपीट करने वाले की रिपोर्ट पीड़ित पक्ष के खिलाफ पुलिस ने पहले ही लिख ली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया।
इन लोग घर में घुस के एकदम पैर से लात से खून खून के मारे हैं सर हम लोग को। मैं लेडीज पर्सन हूँ, मेरे को मारे, मेरे बच्चों, मेरे पति सबको मारे हैं। और हमको हम लोग को धमकी दे रहे थे सर कि इन लोग का ऐसे रेप करो, इन लोग को निकालो यहाँ से, इन लोग को जान से मार दो, इनको जला दो, ऐसे बोल रहे सर, निकलो यहाँ से गाँव से करके हम लोग को बार बार हम लोग को धमकी दे रहे हैं सर। कवर्धा थाना आए सर तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, हम लोग को ना बैठा के रख दिए थे। हम लोग 11 बजे से आए थे सर, हम लोग का 1 बजे जब उन लोग का रिपोर्ट लिखा गया प्रोजेक्ट वाले। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही, नमस्कार।